अयो जिस गेम को आज हम लोग खेलने वाले हैं उस गेम का ट्रेंड ही इंडिया में हम लोग लेके आए हैं। जब से हमने इस गेम को खेला है इस गेम के जो सेल्स है वो 10x बढ़ चुके हैं इंडिया में, और डेवलपर खुद ने बोला है कि अज्जू भाई आपकी वजह से इंडिया में हर गेमर इस गेम को खेलने लगा है, और इस गेम का नाम है सुपर मार्केट सिम्युलेटर। तो आज की वीडियो में हम भी ये गेम खेलने वाले हैं। जब आपको ये गेम खेलने हैं तो मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो बना दी है कि हाउ डाउनलोड सुपर मार्केट सिम्युलेटर। आप चाहे तो वो चेक करके देख सकते हो। यहाँ पर चलो हमारी जो गेम है स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ लोडिंग हो रही है। यहाँ पर हमारी दुकान का नाम का ऑप्शन आ चुका था। यहाँ पर मैं PVG लिखने वाला हूँ। PVG मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ PVG का मतलब है प्रथम वर्मा गेमिंग। तो यहाँ पर जल्दी से PVG लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारी सुपर मार्केट का नाम है PVG। तो अपने मैं हर चीज़ का नाम PVG रखता हूँ। कार पर शोरूम था उसका नाम PVG रखा था। कोई गेम में नाम था उसका PVG रखा था। यहाँ पर देखो हमको कंट्रोल समझा रहे हैं। यहाँ पर हमारे हैंड से हम सारे काम कर सकते हैं और इरेजर से हम कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सही है यार, यहाँ पर सारे कंट्रोल समझ आ रहे हैं हमको। और यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में हमको $1000 दे दिए हमारे शोरूम को स्टार्ट करने के लिए। चलो यहाँ पर सही है, $1000 हमको मिल चुके हैं तो अपना शोरूम जो है वो सही करेंगे। ये तो नहीं है हमारे शोरूम में, इतना मेरे को पता है हमारे पीछे होगा। हाँ ये है भाई, मेरा थोड़ा फेस उधर था ना तो मैं देख नहीं पाया। चलो कोई ना, हमारे शोरूम है पर और हमको अपने शोरूम पर थोड़ा सामान रखना पड़ेगा। सेल्फ लेके आनी पड़ेगी, फ्रिज लेके आनी पड़ेगी। तो जल्दी से हम यहाँ पर हम सामान ऑर्डर करने वाले हैं। और मैंने जो अपनी वो वाली वीडियो में सबको इसे कंट्रोल समझा दिए कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो हमारा कैश काउंटर है, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। यहाँ पर कैश काउंटर है, पीछे हमारा एक स्टोर रूम कह सकते हैं, स्टोर रूम हो गया। यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है और यहाँ पर हम कुछ सामान रख भी सकते हैं। इससे हम देखो हम दुकान का सामान मंगाएंगे तो जल्दी से थोड़ा सामान मंगा लेते हैं। यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर लिया प्लस करके, और यहाँ पर हमको ना ऐड टू कार्ट करके बास्केट में भी करना है। कई लोग ना भूल जाते हैं, पहले यहाँ प्लस कर दिया फिर बाद में हमको ऐड टू कार्ट पर टैप भी करना है एक बार। तो यहाँ पर सामान देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सामान ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना सामान ऑर्डर कर लिया, यहाँ पर बस आ ही चुका होगा। यहाँ पर देखो बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर देखो वही सेल्फ आ चुके हैं हमारे। और यहाँ पर एक फ्रिज बताए, फ्रिज नहीं है यार, वेंडिंग मशीन है। फ्रिज मेरे ख्याल से गेम में नहीं है। चलो कोई ना, अंदर जाते हैं। छोटा सा दरवाजा तो थोड़ा कंट्रोल्स का थोड़ा इशू होता है अभी। वे कंट्रोल्स अभी हाथ पे बैठे नहीं है ना, आराम आराम से प्रो हो जाएंगे गेम में। और इसकी मैं एक सीरीज अच्छी खासी बनाना चाहता हूँ, प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप चाहे तो चेकआउट करके देख सकते हो, इसके और भी एपिसोड्स आएंगे। बस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा देना यार, आजकल थोड़ा चैनल डाउन चल रहा है। हर वीडियो में यही कह रहा हूँ मैं, चैनल डाउन चल रहा है प्लीज़ यार। मेरे को लग रहा है कि मेरा चैनल ना शैडो बैन हो चुका है, जब से हमारे चैनल पर एक स्ट्राइक आई थी और रिमूव हो गया था, और उसके बाद से व्यूज आने बंद हो चुके हैं बिल्कुल ही। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को यार, भाई बहन के कर लो मुझे यार प्लीज़। चल ठीक है ना, यहाँ पर हमने वेंडिंग मशीन लगा दिया और यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत सामान ऑर्डर कर लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पर हमने बहुत सारा सामान ऑर्डर कर लिया, आप देख सकते हो। अब जल्दी से जो सामान है उसको हमको सेल्फ में भी रखना पड़ेगा। एक मिनट यार, देखो बहुत सारा सामान आ चुका है और हमने थोड़ा सेल्फ भी एक्स्ट्रा मंगा लिए थे। मेरे को पता था भाई एक सेल्फ से ना कुछ नहीं होने वाला, तो और सेल्फ हमने मंगा लिए थे जल्दी से। और जो हमारा सामान है यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर सेल्फ है इसके हम साथ रख देते हैं। चलो चिपका देते हैं, चलो चिपक के दोनों। एक सेल्फ और है उसको हम सामने रख देंगे इसके। एक मिनट यार, यहाँ पर इसके साथ नहीं, यहाँ से नहीं लगेगा, यहाँ पर सामने ठीक है, सामने अभी खाली है एरिया। तो यहाँ पर एक सेल्फ यहाँ रख देते हैं। अभी हम और भी सेल्फ मंगाएंगे, हम दुकान जो है बड़ी करेंगे। और आज का ना मैं थोड़ा चैलेंज करने वाला हूँ वीडियो में। मेरे को स्टार्टिंग में $1000 था ना, तो मैं $1000 ही मतलब करूँगा आज के एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम और बड़ा चैलेंज रखेंगे, पर आज के एपिसोड में हम इतने रखने वाले हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा कंट्रोल से देखने हैं। यहाँ पर हम कोक है, देखो वेंडिंग मशीन में हम नहीं रख सकते कोक को, तो यहाँ पर मैं शेल्फ पर रखता हूँ। यहाँ पर फील्ड शेल्फ का ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट यार, ऑप्शन कहाँ गया, चलो ऑप्शन आ रहा है, नीचे रखना पड़ेगा यार। और हमारे सामान दुकान में सामान ही बंद नहीं है ना, तो इसके मैसेज आ रहा है मेरे पर। और इसका देखो ₹2 का हमने लिया है, तो हम इसको ₹5 का आराम से बेच सकते हैं। यहाँ पर हमने सेट प्राइस कर दिया। यहाँ पर जल्दी से जितना भी सामान है सारा हम लगा देते हैं ऐसे। यहाँ पर हमने इस दुकान में सारा सामान रख दिया है। यहाँ पर देखो खाली डब्बे हैं, इसको हमको डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। चलो हमने फेंक दिया। और हम सब जाना, एक गलती हो गई, आपको दिखाता हूँ अंदर। भाई मेरे को लगा था, मैंने वहाँ पर एक ऑर्डर किया था, मेरे को पूरा डब्बा आएगा, पर उधर ना एक एक पीस आए हैं सिर्फ दुकान के लिए। और जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं, जो एक एक पीस भी बेचते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ मैं, देखो जो हमारे शेल्फ है उस पर एक एक पीस पड़े होंगे, आप ध्यान से देख सकते हो। भाई मेरे को लगा एक डब्बा आएगा उसका, पर एक एक पीस आया, तो उससे थोड़ा घाटा हो सकता है हमको। चलो कोई ना, यहाँ पर एक एक पीस ही बेचते हैं इतना, थोड़ा कस्टमर का इंतजार करते हैं, कस्टमर कब आएगा। यहाँ पर कस्टमर आ गया हमारा, जल्दी आओ भाई। हाँ यही नई दुकान खुली है, यहाँ पर देख रहे हैं यार कस्टमर। आजा भाई अंदर आजा भाई, बहुत अच्छी दुकान है, सस्ते में सब कुछ मिलेगा। आजा हम आपको दिखाता हूँ कस्टमर को अटेंड कैसे करते हैं। आजा आजा भाई, शर्मा मत, इतना अपनी दुकान है।
चलो यहाँ पर आ गया, इसने बास्केट उठा लिया वहाँ से, यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो जो कस्टमर है उसने थोड़ा सा सामान ले लिया दुकान का, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। यहाँ पर इसने एक ब्रेड लिया, चलो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर इसने ऑयल लिया, ये भी सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पर इसने दूध लिया। यहाँ पर एक कार्ड से पेमेंट करेगी, तो यहाँ पर हम इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर $19 का सामान इसने लिया, तो मैं यहाँ पर $19 करते हैं। हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते भैया, एक्सेप्ट नहीं करती मशीन। चलो यहाँ पर हमने इसको सामान भेज दिया, और यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट दे दिए, बेस्ट शॉपिंग टाउन। सही है भाई, हमारे अभी तो नई दुकान खुली है, बाद में देखना हमारी दुकान को शोरूम बना देंगे, अच्छा मॉल बना देंगे। चलो यहाँ पर एक कस्टमर और आ चुका है, सबको जल्दी से अटेंड करते हैं। और यहाँ पर हमको और सामान भी ऑर्डर करना है यार, हमने गलती से एक एक पीस मंगाए थे, हम पूरा ना डब्बा मंगाएंगे। देखते हैं सेल्फ में कितने मतलब आएंगे, मैं अंदाजे 10 मंगा लूँगा। यहाँ पर मैंने इस बार बहुत सारा सामान ऑर्डर कर लिया, देख सकते हो बहुत सारा सामान आ चुका है। ये तो खाली डब्बा, इसको पहले जल्दी से फेंकते हैं यार, ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसकी वो नहीं है रेंज। चलो यहाँ पर बहुत सारा सामान है, जल्दी से इसको दुकान के अंदर रखाते हैं, अभी दुकान के अंदर कोई मतलब सामान नहीं है। चलो जल्दी कस्टमर है, इसने देखो एक वही लिए, दुकान में सामान कम है तो लोग भी ना कम ही चीज़ें लेंगे। तो जल्दी इसको भेज देते हैं अपना सामान, $5 का इसने सामान लिया है। चलो जितना भी सामान है बाहर पर है उसको हम दुकान के अंदर रखते हैं। और हमको एक चीज़ और पता लगी है कि हमको ना कस्टमर को अटेंड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने एक बंदा रख लिया है। आई नो बहुत जल्दी हमने एक बंदा रख लिया है, और यहाँ पर जल्दी से दुकान का सामान भी रख देते हैं यार। बंदा तो आ गया, दुकान में सामान नहीं है तो बेचा गया वो, तो यहाँ पर जल्दी से इसको फिल कर देते हैं। एक मिनट यार, इस बार देखो पूरा डब्बा भरा हुआ आया, देखो पहले दो एक पीस और थे, यहाँ पर मैंने 10 मंगा लिए हैं। और यहाँ पर 8 ही हम रख सकते हैं, तो 2 पीस जो हैं एक्स्ट्रा हैं उसको मैं स्टोरेज रूम में रख दूंगा वही कंप्यूटर के साथ। यहाँ पर जिसको मैंने 5 का मेरे को आया, तो मैं यहाँ पर इसको 8 का बेचूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट हो मेरे को भी होना चाहिए। नीचे रख सकते हैं तो 2 यार, पर यार पंगा बैठेगा, इसके साथ हम और कुछ सामान रख नहीं सकते। चलो कोई ना, हमारे पास अभी दुकान है, हमको बड़ी बड़ी दिखानी है, तो हमको सामान ना खुला खुला रखना पड़ेगा। तो जल्दी जितना सामान है सबको रख लेते हैं। यहाँ पर हमने ज़्यादातर अपनी सारी दुकान जो है भर दी है, यहाँ पर सारा सामान रख दिया है, कुछ सामान जो है बच गया है, तो यहाँ पर हमने स्टोरेज रूम में रख दिया है। यहाँ पर सबके 200 पीस बचे हुए हैं यार, एक सेल्फ में 8 पीस आ सकते हैं, तो मैंने 10-10 मंगाए थे, तो वो एक पंगा पड़ चुका है। चल कोई ना, हमारे बाद में हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर कस्टमर का थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। और यार मैं सोच रहा हूँ कि ना आज के एपिसोड में ना $1000 तो मैं इजीली कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉलर मतलब कमा के सामान खरीद भी लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ आज लेवल 2 करके देखते हैं स्टोर पर, लेवल 1 है ना, लेवल 2 तक करेंगे। लेवल 2 में हमको फ्रिज ओपन मतलब खुल जाएगी, तो हम फ्रिज वाला सामान भी रख सकते हैं, जैसे कार्ड होगी, एग हो गए, और बहुत सारा सामान है यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा वेट कर लेते हैं कस्टमर्स के आने का। और मैंने यहाँ पर एक सेल्फ सामने भी लगा दिया है, और देखो जो ये काम है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो हम यहाँ पर बैठ के देखते हैं, जो भी एक कस्टमर आएगा ना सारे सामान लेगा, तो ये अपने अभी मतलब सेल कर देगा, हमको मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जैसे हम पहले कार्ड से कर रहे थे। हम सिर्फ अपनी दुकान पर फोकस रखते हैं कि कोई सामान कम हो रहा है तो हम वो ऑर्डर कर लेंगे। और यहाँ पर देखो बंदे आ तो रहे हैं, कस्टमर आ तो रहे हैं, पर हमारा जो लेवल 1 आधा हो चुका है, वो लेवल 2 जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो हम बस दुकान का सामान देख रहे हैं और प्राइस सेटिंग कर सकते हैं, बाकी बेचेगा ये अपने आप। भाई ये सही यार, मैंने इसको $6 का लिख दिया क्योंकि थोड़ा महंगा बोल रहे थे लोग, यहाँ पर $8 का इसको थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा, ये चेंज नहीं हो पा रहा प्राइस यार, कोई ना। और यहाँ पर हमारी दुकान की सेल अच्छी खासी हो रही है, यहाँ पर मैंने सेल्फ 4 मंगा लिए थोड़े बहुत, यहाँ पर देखो एक सेल्फ 4 और सामान भी मंगा लिया है। यहाँ पर जल्दी से सेल्फ रख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सेल्फ थोड़ा दीवार में अरे का लगता है दरवाजे के पास। चलो हो गया बस एक मिनट, चलो हो गया प्लेस करते हैं। चलो बच्चे ठीक है, यहाँ पर हम अंदर बाहर जा सकते हैं, लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना भी सारा सामान है जल्दी से सेल्फ में रख लेते हैं। और उन्होंने बहुत सारा सामान मंगाया जो हमारा जो ख़त्म भी हो गया था, ये अच्छा सेम प्रोडक्ट हम एक साथ रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लगता है ये अलग प्रोडक्ट है यार, ये नहीं रख सकते। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सामान यहाँ रख दिया था इसके पास, पर ये यार देखो ये सामान ख़त्म होता है ये नहीं रखता। देखो दोनों सेम प्रोडक्ट है यार, गलती से 2 बारी मंगा लिया सेम प्रोडक्ट। यहाँ पर पिंक वाला है, तो ये देखो इसके साथ हम रख लेते हैं, जैसे सारा सामान हम जल्दी रख लेते हैं यार। अब मैंने पूरा शोरूम भर दिया, तो मैं कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और यहाँ पर हमने एक बंदा रख दिया है जो सारा सामान बेचेगा, अब एक चेक कर लेते हैं और कुछ है इसमें नया। देखो $1000 भी हमारे हो चुके हैं फाइनली, 1300 हो गया यार, 1000 बोलता है मैंने। चल कोई ना, यहाँ पर लेवल 2 का इंतजार कर रहा हूँ, लेवल 2 हमारे कब होएगा। देखो बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स हैं जो न्यू खुलेंगे, और वो मेन हमको फ्रिज चाहिए फ्रोजन के लिए, अच्छा लेवल 3 है इसका फ्रोजन के लिए। चल कोई ना, और लेवल 2 पे नहीं यार छोड़ो यार। और यहाँ पर हम एक्सपेंड भी करेंगे बिजनेस अपना, यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं यार। और एक चीज़ हो रही है, मैं थोड़ा ना सिटी एक्सप्लोर भी कराता हूँ, हमें शॉप की हमको टेंशन लेने की बात तो है नहीं अब। यहाँ पर तो शॉप है, हमने कलर भी चेंज करा दिया था, आपको बताना भूल गया मैं, वहाँ से कस्टमाइज से।
हमको एक्सपेंड नहीं कर सकते $2000 में। देखो इससे आगे हम आगे नहीं जा सकते, कुछ ऐसे ही मैप लग रहा है मेरे को, तो उधर भी देखते हैं उधर हम कितना आगे जा पाएंगे। और यहाँ पर हमको एम्प्लॉय की सर्विस वो देनी पड़ती है, सैलरी $50 लेते हैं पर घंटे का। तो यार यहाँ पर इसके आगे भी नहीं जा सकते, हमें छोटा सा ही एरिया है। सही बनाइए, वैसे गेम तो सही है, मतलब कोई कमी तो नहीं लगी मेरे को अभी तक। और यहाँ पर हम अगले एपिसोड में इसको थोड़ा स्पेंड करेंगे, $2000 जब हमारे हो जाएंगे, अभी हमारे $1400 हो चुके हैं और सामान भी हमने अच्छा खासा रख दिया दुकान पे, और भी हम सेल्फ रखेंगे अगले एपिसोड में। मैं सोच रहा हूँ आज के एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और मेरे को बताना कि आपको मेरा शोरूम कैसा लगा। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।